कैसे हैं आप सब? होपफुली बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो मैं लाया हूँ, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैडेटशिप से सेकेंड मेट तक में कितना टाइम लगता है। तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा तभी पता चलेगा, और कौन कौन से एग्जाम देने पड़ते हैं, पासिंग परसेंटेज वगैरह के बारे में बताऊंगा, रफली आइडिया दूंगा पासिंग परसेंटेज का। तो किस एज तक आप सेकेंड मेट बन जाते हैं? आप सेकेंड मेट क्या है? सेकेंड ऑफिसर रैंक होता है, तो सेकेंड ऑफिसर रैंक होता है उसमें थर्ड ऑफिसर में आप ज्वाइन करते हैं, ऑटोमेटिकली प्रमोशन होकर सेकेंड ऑफिसर बन जाते हैं। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सेलर एंकर पे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका सलाहकार अभिषेक मिश्रा। दोस्तों आज की जो वीडियो है बहुत इंटरेस्टेड है, ये उनके लिए बेसिकली, चाहे वो कैडेट से हो या फिर डीटीएसएम से हो, क्रू जो रेटिंग से होते हैं उनके लिए भी ये वीडियो है। तो ये वीडियो कॉमन है, सबके लिए है। तो वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक, तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज कुछ इसमें आपको मालूम नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कैडेटशिप में, कैडेटशिप कि कैडेटशिप होती क्या है और किस एज में हम कैडेटशिप ज्वाइन करते हैं। तो यूजुअली जब हम 15 ईयर या 16 ईयर तक के होते हैं, जब 10th क्लास में होते हैं और 12th पास आउट होते होते 17 होते हैं, 15 पकड़ लो, 15 में 10th पास करते हैं और 12th पास करते करते हमारी जो उम्र होती है, हमारी जो आयु होती है वो 17 ईयर ओल्ड होती है। तो इस एज में जब आप 12th अपीयर होते हो, उसी समय आप IMU CET का एग्जाम दे सकते हो, मतलब 12th अपीयर में आप दे सकते हो या फिर 12th पास होने के बाद भी दे सकते हो। साल में दो बार वैकेंसी आती है, एक अगस्त में एक फरवरी में, दो बार, मतलब DNS बैच स्टार्ट होता है या फिर BSc नॉटिकल साइंस, जो भी आप करना चाहते हैं। प्रीफेबली मैं DNS की बात करता हूँ, यहाँ पे DNS का एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। तो एक लड़का जब 12th पास होता है 16 एंड हाफ में या 17 में, आपने देखा होगा NDA में भी जो एज होती है 16 एंड हाफ टू 19 एंड हाफ ही होती है, इसी के बीच आप दे सकते हो, नहीं तो एग्जाम ही नहीं दे सकते हो। तो सेम इसी तरीके से है कि आप जब 17 ईयर के होते हो तो 17 ईयर में आपने एडमिशन ले लिया DNS कोर्स में। वन ईयर का कोर्स होता है, सबको मालूम है DNS। DNS की फुल फॉर्म क्या है? डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस विच इज लीडिंग टू BSc नॉटिकल साइंस। तब आपकी उम्र कितनी होती है? 17 साल पकड़ लो मोटा मोटी, 17 में एक वन ईयर ऐड कर लो, 17 + 1 यू विल बी 18 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, 18 साल के हो गए, 18 साल में आपने प्रीसी ट्रेनिंग खत्म कर ली। अब प्रीसी ट्रेनिंग खत्म कर ली तो उसके बाद ऑलमोस्ट आपको 3 मंथ्स का जो होगा वेटिंग पीरियड मिलेगा, 3 या 4 मंथ्स का, इतना आप घर पे भी रुकोगे क्योंकि एक साल कंटिन्यू पढ़ाई की हो, उसके बाद थोड़ा टाइम घर पे भी बिताओगे। तो फिर जब आप प्रीसी ट्रेनिंग कर लेते हैं, 3-4 महीना बैठते हैं, तो उसके बाद 6 महीने के लिए जाते हैं फर्स्ट शिप पे, तो ये वाला साल भी निपट गया, तब आप हो गए 19 के। फिर एक साल में और 6 महीना करके 2-3 महीना घर बैठोगे, रफली एग्जाम्पल मान लो 20 हो गए और क्लोज टू 21, जब आप 21 साल के होते हो क्लोज टू 21, तब आपकी कैडेटशिप खत्म हो जाती है। सब्जेक्ट आपने सब कुछ सही से किया हो, आपने अर्ली साइन ऑफ ना लिया हो, शिप पे जल्दी ना आ गए हो, जो मैंने बोला है कम से कम एक कॉन्ट्रैक्ट में 5 से 6 महीना करके आए हैं, तब इतना टाइम लगेगा। तो फिर हो गए आप 21 साल के हो गए। अब सेकेंड मेट में, सेकेंड मेट करने के लिए आपको 4 महीने की जो होती है वो फंक्शन क्लासेस करनी पड़ती है। 4 महीने की आप फंक्शन क्लासेस करोगे, फिर आपके रिटर्न एंड ओरल्स होते हैं, ये सब करते करते 1 साल लग जाएंगे। तो आप 22 की उम्र में एज अ थर्ड ऑफिसर ज्वाइन कर लेते हो, ये उनके लिए जो कैडेटशिप से आता है। थर्ड ऑफिसर का वेजेस मैं बता चुका हूँ, $3,000 के आसपास होता है। अब आइए बात करते हैं क्रू से, क्योंकि वीडियो को ज्यादा स्ट्रेच करूंगा फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। अब क्रू के बारे में बात करते हैं। एक DTSM है, 10th क्लास कितने उम्र में पास होता है? अभी हमने डिस्कस किया 16 में, अगर वो सही टाइम पे ज्वाइन कर लेता है, सही टाइम पे मतलब अगर विद इन वन ईयर में ज्वाइन कर लेता है 17 में, 6 मंथ की उसकी GP रेटिंग का कोर्स होता है, 17 एंड हाफ, उसके बाद उसको उसका 9 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो 9 मंथ्स के उसको 4 कॉन्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, 4 36 मंथ का सी टाइम चाहिए, 4 कॉन्ट्रैक्ट प्लस 3-3 महीना घर बैठेगा, 3 × 4 = 12, 5 साल, मतलब जब 17 ईयर का हो गया तो 5 साल लग गए 22, तो वो 23 तक, फिर एक साल एक वन एंड हाफ ईयर 23 तक वो भी थर्ड ऑफिसर बन जाता है। तो देखो दोनों ने अपनी जर्नी स्टार्ट की, ज्यादा फर्क नहीं आ रहा है, अगर टाइम से शुरुआत की, अच्छी कंपनी से शुरुआत की, बन गए दोनों ही, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि DNS वाले ही अच्छा परफॉर्म, सम टाइम ये जो क्रू से आते हैं बेचारे, इनको पता नहीं होता है, इनको पता ही नहीं है मर्चेंट नेवी क्या है, सही मायने में देखा जाए तो भैया पता ही नहीं है, अब गलती से कर लिया GP रेटिंग, कुछ मालूम नहीं था, अब
अंदर से ख्वाहिश हर किसी की होती है कि मैं आगे बढ़ूं। ऐसा तो दुनिया में कोई नहीं है ना कि जो चाहेगा मैं आगे ना बढ़ूं। हर कोई इंसान चाहता है आगे बढ़ूं। तो इस तरीके से वो लोग भी चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें, अच्छा परफॉर्म करें। तो फिर वो इस तरीके से वो अच्छा परफॉर्म करके देन वो लोग भी 23 एज तक बन जाते हैं। तो ये तो मैंने एक मोटा मोटी एग्जाम्पल दे दिया। अब यहाँ पे है DNS से, लाइक कैडेटशिप से आपको 1+3 4+5 ईयर, 5 ईयर में आपको लगा और 6-7 ईयर उनको जो ये क्या बोलते हैं रेटिंग ग्राउंड से है उनको लगा। पर इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, ये जो मैंने एक साल सेकेंड मेट का बोला है, इसमें सब कंडीशन ये है कि आप फेल ना हो सब्जेक्ट में। कई बार अगर मान लो आप फेल भी हो जाते हैं या रिटन में या वाइवा ओरल्स में फेल हो जाते हैं, तो एडिशनली आप 1 ईयर ऐड कर सकते हैं ज़्यादा ज़्यादा। इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मेरी ट्रस्ट में इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इतने साल में आप सेकेंड मेट बन सकते हो, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब इस वीडियो में तो मैं बताऊंगा नहीं कितने सब्जेक्ट होते हैं, क्योंकि बताऊंगा वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, उसमें सब्जेक्ट का बता दूंगा। अब इसमें कुछ चीज़ों का मैं ध्यान रखूंगा जो आपको सेकेंड मेट एग्जाम में, जो आपकी अगर मैथमेटिक्स अच्छी है, ट्रस्ट में अगर आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है तो आप आराम से सेकेंड मेट एग्जाम क्लियर कर सकते हो। क्योंकि हर सब्जेक्ट में चाहे वो प्रिंसिपल ऑफ नेविगेशन हो, चाहे वो प्रैक्टिकल नेविगेशन हो, या फिर शिप स्टेबिलिटी हो, या फिर कार्गो वर्क हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें न्यूमेरिकल्स आता ही आता है। इफ़ योर न्यूमेरिकल पार्ट्स आर स्ट्रांग, यू विल इजिली पास, नो डाउट एट ऑल। इवन लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट दिस चार्ट वर्क एग्जाम, इफ़ यू हैव डन गुड इन योर ज्योमेट्री, लाइक वी वर डूइंग ना इन 10th class 12th class वी वर डूइंग ज्योमेट्री, 12th में तो नहीं था, 10th में ही था। तो अगर आपकी ज्योमेट्री अच्छी है तो आपको चार्ट वर्क की नॉलेज अच्छी मिल जाती है, तो वो एग्जाम भी आप आराम से पास कर सकते हो। क्योंकि दो एग्जाम ऐसे हैं, चार्ट वर्क और स्टेबिलिटी, इनको कभी लाइटली मत लेना। क्यों? इसका रीजन ये है क्योंकि इसमें पासिंग परसेंटेज 70% है। अगर आपके 200 में से 140 से कम आए तो आप पास नहीं हो पाओगे इस एग्जाम में, फिर आपको रीडू करना पड़ेगा इसके लिए। बट हो जाता है, सब कर लेते हैं, सब ने किया, हमने किया, आपने किया, सब जो बाकियों ने किया, तो कोई ऐसा इतना टफ नहीं है। बस आपका डेडिकेशन, आपकी मेहनत है। यहाँ पे मैंने पहले भी बताया, बहुत ऐसे लोग हैं जो क्रू से भी ऑफिसर बने हैं एंड दे आर डूइंग वेल, कैप्टन तक बने हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो आप भी कर सकते हो अगर आपको आइडिया नहीं है। तो गाइज, ये थी मेरी आज की वीडियो। इस वीडियो में मैंने आपको क्लियर कर दिया कि सेकेंड मेट तक कितना टाइम लगता है। होप यू विल लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक, डू थम्स अप एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स, एटलीस्ट दे विल गेट सम नॉलेज। मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।